तो झालावाड़ का ये जो क्षेत्र है पठारी, ये तो है आपका झालावाड़ का पठार, और ये जो बारा के साथ लगता हुआ क्षेत्र है ये है डंग गंगधर प्रदेश, और बारा के बिल्कुल पूर्वी भाग में ही शाहबाद उच्च भूमि है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि शाहबाद उच्च भूमि स्थित है बारा के पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोही के मैदान का विस्तार है, रोही का मैदान ये आपकी चंबल और ये बनास दोनों मिलती हैं रामेश्वरम में, ठीक है। रामेश्वरम में ये फिर इटावा में यूपी, ये यमुना आ रही है और यमुना में मिल जाती है, कौन सी? चंबल, ठीक है। इधर जयपुर से एक नदी निकलती है बाणगंगा, और बाणगंगा भी आके इसमें मिल जाती है। तो बाणगंगा का और यमुना का जो मध्यवर्ती भाग है, उपजाऊ मैदान, उसको कहते हैं रोही का मैदान, ठीक है। हाँ, तो ये विस्तार किन-किन जिलों में है? जयपुर, दौसा और भरतपुर। अगर नदियों के बीच में पूछे कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो यमुना और बाणगंगा, ठीक है। और जिलों में पूछे तो जयपुर, दौसा, भरतपुर। हाड़ौती पठार की सर्वोच्च चोटी है, सतूर, नागपानी, चांदमाड़ी, डोरा पर्वत, कौन सी है? डोरा पर्वत तो अभी चर्चा की थी हमने, किसकी है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर होगा चांदमाड़ी। अगर पूछ ले कि हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो कई जगह ये चांदमाड़ी लिखा है, कई जगह ये चंदमाड़ी भी लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, चंदवाड़ी या चांदमाड़ी। अगर दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो वो आपकी सतूर, दूसरी ऊंची चोटी है सतूर। हाँ, नागपानी का है इसमें, ऑप्शन में दे रखा है नागपानी। उदयपुर। प्लाया किस भाषा का शब्द है? प्लाया जो झील होती है उसके लिए प्लाया शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किस भाषा का शब्द है? जर्मन, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश? स्पेनिश वर्ड है। कैक्टस पार्क स्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैक्टस पार्क स्थित है, कुलधरा गांव कहाँ है? ये जैसलमेर में, कुलधरा गांव जैसलमेर। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है चांदन, चांदन क्या है? देखिए ये एक फायरिंग रेंज भी है सेना की, ठीक है। और बात करें तो देश का पहला चारा बैंक यहीं स्थापित किया गया, हाँ, चांदन गांव, ठीक है। बायतू, ऐश्वर्या नाम का जो कुआं है, तेल कुआं, वो बायतू बाड़मेर में है। सोजत की बात करें तो सोजत पाली में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ,
बाड़मेर में ही है, गुडामलानी क्षेत्र में। भाई तुम्हें ऐश्वर्या, मंगला जो तेल कुआ है वो नगाना क्षेत्र में, ठीक है। ऐश्वर्या भाई तू रागेश्वरी, गुड़ा मलानी या गुड़ा मलानी, सरस्वती, कोसलू, मिलान करने के लिए दे सकता है ये, ठीक है। मंगला नगाना क्षेत्र में, ऐश्वर्या बायतू में है, रागेश्वरी गुडामलानी और सरस्वती कोसलू, ठीक है। ये तेल कुए हैं सारे के सारे। हाँ, आईएएस में पूछा था MARS, मार्स क्या है, ठीक है। और अब एक नया कोड बन जाता है MBA, मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, ठीक है। ये तीनों ही केयर्न एनर्जी द्वारा संचालित हुए हैं। सबसे अधिक तेल उत्पादन जो होता है मंगला से होता है। कब खोजा गया था? 2004 में, ठीक है। इसमें तेल उत्पादन कार्य शुरू हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक नहीं है। मरुस्थल निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है? वन उन्मूलन, शहरीकरण, खंड वर्षा, औद्योगिकरण, बताइए। मरुस्थल के निर्माण में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? इसमें आएगा वन उन्मूलन। हाँ, आया होगा। देखिए, खंड वर्षा यानी रुक रुक के तेज बारिश होना, कभी आ जाए कभी नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मिट्टी का कटाव होगा, ठीक है। मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण करेंगे तो भी मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। नेक्स्ट, शहरीकरण यानी उस क्षेत्र को हम साफ करेंगे, तो शहरीकरण जो होगा उससे भी क्या होगा? मरुस्थलीकरण का प्रसार होगा, क्योंकि वनों की कटाई होगी। वन उन्मूलन, वन उन्मूलन का अर्थ है कि वृक्षों का बचाव करना, ठीक है। तो यहां वन उन्मूलन क्या होगा? जो उत्तरदायी नहीं है मरुस्थल के लिए।
हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा रण या टार क्षेत्र थोब कहाँ है? बाड़मेर में। लूणकरनसर कहाँ है? बीकानेर में या जैसलमेर में? मनिहारी मनिहारी, चूरू, बरमसर, जैसलमेर, ये सारे क्या हैं? रण या टार क्षेत्र ही हैं, अगर इनमें से भी पूछ लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है थोब। अगर जिले में पूछे कि कौन सा जिला सर्वाधिक रण या टार क्षेत्र रखता है तो आएगा जैसलमेर। ठीक है। अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव किस जिले में है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मान लीजिए राजस्थान का दक्षिणवर्ती भाग है, इधर से जो वर्षा आ रही है वो कौन सी है? अरब सागर। और इधर से जो आ रही है वो है बंगाल की। हाँ, हिंद महासागर के दोनों ही भाग हैं। ठीक है, हम बात करें अरावली की, तो इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आती है उसका सर्वाधिक ठहराव इधर हो जाता है। ओ सॉरी, झालावाड़। ठीक है, और इधर से हो जाता है अरब सागर का सिरोही। लेकिन दोनों का ही जो होता है वो होता है बांसवाड़ा। ठीक है, अरब सागर का पूछे तो सिरोही, बंगाल की खाड़ी का पूछे और संपूर्ण मानसून का पूछे तो बांसवाड़ा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? अरब सागरीय मानसून का, तो अरब सागरीय मानसून का किस में हो गया? सिरोही में। ठीक है, निम्न में से कौन सा अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन नहीं है? नेफ्ता, बायोडीजल, ज्वारीय, बायोमास, कौन सा नहीं है? अवैकल्पिक का मतलब है जिसका विकल्प उपलब्ध ना हो, ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? एक होते हैं गैर परंपरागत, और एक होते हैं परंपरागत। तो इनमें से अवैकल्पिक कौन सा है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये है आपके वैकल्पिक। तो इसमें जो आपका नेफ्था होगा या जिसको तरल ईंधन बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो नेफ्ता है वो वैकल्पिक के रूप में है। ठीक है, बायोडीजल, ज्वारीय, बायोमास, ये सारे क्या हैं? वैकल्पिक। वर्ष 2017-18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी, जीएसडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है,
तो वो कितना है 17-18 के अनुसार 7 करोड़, ये 7,59,235 करोड़। ए ऑप्शन। मंगला तेल क्षेत्र की खोज कब की गई, यह भी बताया था 2004 में, और ये इसका उत्पादन कार्य कब से शुरू हुआ 2009 से। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, कौन सी ऊर्जा से विद्युत उत्पादन सर्वाधिक होता है, भूज्वारीय, जल विद्युत, तापीय, सौर ऊर्जा, कौन सा होगा तापीय ऊर्जा। ठीक है, तकरीबन 20% के लगभग ऊर्जा प्राप्त होती है, ओ सॉरी 60% के लगभग। राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, सूरतगढ़। निम्न में से कौन सा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर संयंत्र श्रेणी में नहीं है। तो दो चीजें होती हैं, एक क्रिटिकल होता है और एक नॉन क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल का मतलब है कि अगर कोई भी विद्युत उत्पादन इकाई है उनमें 500 मेगावाट का उत्पादन होता है एक इकाई से, ठीक है, तो वो आएगा क्रिटिकल की श्रेणी में। अगर कोई भी विद्युत उत्पादन इकाई है उसमें 500 से कम हो रहा है लेकिन टोटल 500 से अधिक हो रहा हो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक इकाई का 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। नॉन क्रिटिकल वह होगा जिसमें किसी भी इकाई में 500 से अधिक उत्पादन नहीं होगा। 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन करने वाली जो होंगी वो होगी क्रिटिकल। तो इसमें देखिए, हाँ इसमें आंसर होगा गिरल, ठीक है, क्योंकि सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट ये भी 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन करती है, काली सिंध ये भी, और कोटा सुपर थर्मल पावर ये भी, ठीक है। राजस्थान की पहली लिग्नाइट आधारित निजी परियोजना है, लिग्नाइट आधारित निजी निजी परियोजना की जब बात आती है तो गुड़ा, इसका आंसर होगा गुड़ा, बीकानेर में है, ठीक है। राज्य की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, ऑप्शन अंता, झामर कोटड़ा, रामगढ़, औरैया। बताइए, राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना, देखिए यहां दो चीजें हैं, एक है आप बता रहे हो अंता, ठीक है, और एक इसमें ऑप्शन में और दे रखा है पलाना, ओ सॉरी झामर कोटड़ा, रामगढ़, औरैया, ठीक है। रामगढ़। जब अंता की बात आती है ये है 12 में और ये है जैसलमेर। अंता एमपी प्लस राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, जबकि रामगढ़ जो है केवल और केवल राजस्थान की है, ठीक है। वैसे अगर देश की पूछे कि देश की पहली कौन सी है तो अंता 12, राजस्थान की पूछे तो रामगढ़ जैसलमेर, ठीक है, इसका आंसर होगा रामगढ़, देश की प्रथम अंता। राजस्थान की प्रथम सौर नीति कब घोषित की गई, राज्य पहला सौर नीति घोषित करने वाला पहला राज्य था देश का राजस्थान,
19 अप्रैल 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन है रानेरी, पदमपुर, नापला, बिरमानिया। पहला कहाँ है? पहला है रावतबाटा और दूसरा है नापला बांसवाड़ा, जो कि निर्माणाधीन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम है? परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात की है तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में ऑप्शन देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा, बायोडीजल। नेक्स्ट ऑप्शन है भूतापीय, पवन, ज्वारीय और बायोमास, और नेक्स्ट है भूतापीय, जल विद्युत और आण्विक। जब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करते हैं तो भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, आण्विक ऊर्जा, ये कैसी हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन? तो इसका आंसर होगा डी, सबसे अधिक भूतापीय, फिर उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद आण्विक। राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है? अमरसर या रामबाग? पहला ऑप्शन है रामबाग, दूसरा अमरसागर, तीसरा देवगढ़ और चौथा खींवसर। सही है। किस खनिज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खनिज उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? यानी ऐसे कौन से खनिज हैं जिनमें राजस्थान एकाधिकार रखता है? ऑप्शन है फेल्सपार, जास्पर, इमारती पत्थर, लिग्नाइट। क्या होगा इसका आंसर? लिग्नाइट। लिग्नाइट की दृष्टि से दूसरा, हाँ दूसरा स्थान। ठीक है, हाँ राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह है? आर्द्रता वाला माह, अगर आर्द्रता की बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक होगा आपका अगस्त। ठीक है, और बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम होगा आपका अप्रैल। ऑप्शन में भी दे रखा होगा, अप्रैल के आगे न्यूनतम लिख सकते हो। हाँ, कोपेन वर्गीकरण में जलवायु का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है? कोपेन ने राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में बांटा है, BSSW, BWSW, CWG और BSH। देखिए BSH जो है ये तो इसका आंसर में शामिल ही नहीं होगा, क्योंकि तिवारथा ने इसको दिया है BSH। ठीक है, इसका उत्तर होगा CWG। हाँ, कोपेन वर्गीकरण में राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है CWG।
BSSW है कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। और BWSW है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो क्षेत्र है ये आपका BWSW, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये आपका BSHW, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये है आपका CWG, और ये है आपका AW। अगर सबसे बड़े प्रदेश की बात करता है तो CWG, और सबसे छोटे की बात करता है तो क्या? देख रहे हो किसके हैं नोट्स? कहाँ पढ़ा है आपने? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोपेन वर्गीकरण में उष्ण अति आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? उष्ण अति आर्द्र ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, जैसलमेर। देखिए उष्ण भी है, उष्ण का मतलब है ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है तो कर्क रेखा तक क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत होगा, तो यहाँ उष्ण कटिबंध में कौन सा जिला होगा? ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए। थानथ्वेट का सर्वाधिक बड़ा जलवायु प्रदेश है? ईएडी, डीबीडब्ल्यू, सीडब्ल्यूजी और डीएडब्ल्यू। डीएडब्ल्यू, सीडब्ल्यूजी है कोपेन के अनुसार। इसका आंसर होगा DAW, ठीक है। ट्वेंटी 22। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा रण या टाट क्षेत्र? सबसे पहले तो फिर यही समझो कि रण या टाट क्षेत्र होता क्या है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के मध्य चारों तरफ मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और इन्हीं के मध्य में पहाड़ी नुमा या चट्टानी क्षेत्र है, ठीक है। इस चट्टानी क्षेत्र के आंतरिक भाग में वर्षा जल के कारण वर्षा जल संग्रहण हो जाता है और झील नुमा क्षेत्र बन जाता है, और ये झील नुमा क्षेत्र कहलाता है बालसन झील,
कौन सी झील कहलाती है? बालसन झील। बालसन झीलों का जो ये केंद्रीय भाग है परिधि वाला, ठीक है, ये परिधीय जो भाग है इसमें क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर होते हैं। इस कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र को कहते हैं बजाड़ा या बजादा, ठीक है। इसके आंतरिक भाग में दलदली लवणीय क्षेत्र होता है, जलीय जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं प्लाया या डार्ड, प्लाया या डार्ड झील, ठीक है। और इसका जो केंद्रीय भाग होता है बिल्कुल अधिक लवणता वाला, उसको कहते हैं सेलिनास। और इस तरह की जो अस्थायी झीलें होती हैं उन्हें कहा जाता है प्लाया या डार्ड झील। ये जब सूख जाती हैं तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र निर्मित होता है। और जब ये मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, रण या ताट कहलाता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो कच्छ के रण में, कच्छ का जो रण है उसमें सर्वाधिक रण या ताट क्षेत्र है भारत के संदर्भ में। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि किस जिले में सर्वाधिक है तो वो होगा जैसलमेर। और ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है तो थोब रण ताट क्षेत्र है। कहां पे? ये बाड़मेर में, ये सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि सबसे बड़ा रण या ताट क्षेत्र तो थोब, सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर में, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा कौन सा है तो कच्छ का रण, ठीक है। और बताओ कोई क्वेश्चन कहां